बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वक्त बरतानिया का जो पहला मेरा विज़िट है इसमें मैंने जो इलाका जो वो पसंद किया, जहाँ पे मैंने कहा कि पहले वहाँ से स्टार्ट शुरू करता हूँ, वो है स्कॉटलैंड का इलाका। तो आज हम स्कॉटलैंड के इस इलाके पर्थ के इलाके से गुजर के आए, एक ऐसे इलाके में आए हैं कि जो एक अपनी मिसाल आप एक तारीख थी इसकी। तो हमारे साथ इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत सरमारफ है, हर इलाके इस इलाके के मालूमात है उनके पास मौजूद है। तो मेरी मुराद यहाँ पर राजा अजीज साहब हैं, जो कि हमारे इलाका एक पंजेड़ी से तलक रखते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जिस इलाके में आए हैं इसकी क्या तारीख है और इसकी जो खुशियात है, कपड़े लबड़ कितने इतना लंबा सफ़र तक है, ये खूबसूरती है हमारी, एक पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। तो मैं हमसे जानते हैं कि राय साहब, जी राय साहब, ये जो हम इलाके में आए हैं इसके बारे में क्या आप बताते हैं? जी राय साहब, सबसे पहले तो आपको हम स्कॉटलैंड में खुशामदीद कहते हैं, और ये जो इलाका है इसको ग्लेनशी स्की रिजॉर्ट्स है, जो कि 1932 में बनी थी यहाँ पे। और यहाँ पे सर्दियों में ये अपनी मिसाल आप होता है ये एरिया जी, यहाँ पे स्नो फॉल होता है, और गर्मियों में भी बहुत ही अच्छा और टूरिस्ट पॉइंट है। हम यहाँ पे अक्सर अपने दोस्तों के साथ आते रहते हैं, जो भी कोई मेहमान आता है हम उनको इस इलाके का विजिट कराते हैं। और ये उस जमाने का स्कीइंग रिजॉर्ट है जब यहाँ पे ये चेयर लिफ्ट नहीं थी, ये लोग ट्रैक्टरों से बंदों को पुल करके ऊपर लेके जाते थे और बाद में वो स्कीइंग करके नीचे की तरफ आया करते थे। तो सर्दियों में इस इलाके को विजिट करें तो और अच्छा है, गर्मियों में भी जो भी दोस्त बहन भाई इस तरफ आए वो आए इस इलाके को देखें, ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बिल्कुल, जहाँ राय साहब ने जो बताया कि ये एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी का सिलसिला है।